अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर लुबना सरवत, हैदराबाद एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी से विद्यार्थी राजकीय पार्टी की तरफ से मैं भी एक उम्मीदवार हूँ। इस वीडियो के जरिए से एक बेंगलोर के हाल ही में जो इलेक्शंस हुए, क्या उभर के आया और वहाँ पर कैसा मैनिपुलेट करने की तरीका करे वो लोग, उस बारे में हमको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। मई 13 के दिन जब आप अंदर जाएंगे तो ये सीक्वेंस थोड़ा याद रखिए। आप अंदर जाएंगे, नंबर चेक हो जाएगा, फिर सिग्नेचर हो जाएगा, उसके बाद आपकी उंगली पे निशान डालेंगे। उंगली पे निशान जब डाल रहे ना, तब वो ऑफिसर को वहाँ पर कंट्रोल यूनिट होता है, उनको कंट्रोल यूनिट दबाना ज़रूरी होता है। बेंगलोर में क्या करें, उन्होंने कंट्रोल यूनिट नहीं दबा रहे थे और लोग अंदर जा रहे थे, पर्दे के पीछे ईवीएम में दबा रहे थे, अपना अपना वोट गिर गया ऐसा समझ के कई लोग निकल गए। तो एक जनाब उनको पकड़ लिया कि आप कंट्रोल यूनिट क्यों नहीं दबा रहे। तो होता क्या, कंट्रोल यूनिट बराबर दबने के बाद आप पर्दे के पीछे जाएंगे, वहाँ पर ईवीएम में आपके पसंद के ईमानदार और अच्छे नेक और हार्ड वर्किंग लीडर को आपकी पसंद के लीडर को आप चुन लेंगे और बराबर वो निशानी वो सिंबल जो है वो बराबर आपके बाजू में वीवीपैट पे नज़र रखिए, उसके ऊपर वो निशानी आना चाहिए। वो बैलेट पेपर के ऊपर 3 सेकेंड्स आपको लाइट आना चाहिए, वो दिखता वो बैलेट पेपर कट के खुद नीचे गिर जाता, उसके बाद आपका ईवीएम का बीप साउंड वो ख़त्म हो जाता, तब जाके आप वहाँ से बाहर निकलेंगे। तो सीक्वेंस याद रखिए, कंट्रोल उंगली पे निशानी गिरने के बाद कंट्रोल यूनिट को वो ऑफिसर ने दबाना चाहिए, बीप आना चाहिए, तब भी आपका ईवीएम का वोट कंट्रोल यूनिट में जाके सिस्टम के मुताबिक उसके अंदर सेव होना चाहिए। तो काउंटिंग के दिन ईवीएम नहीं जाता वहाँ पर, ये कंट्रोल यूनिट जाती जिसमें कि सारा सेव हुआ रहता है। तो हैप्पी वोटिंग, त्यौहार का दिन है वोटिंग का दिन, यानी ज़रूर 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 वोट करना है। देश की तकदीर हम सब लोगों के, आप लोगों के, हम सब लोगों के हाथों में है। सो हैप्पी वोटिंग। हमारे न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।